बच्चे लोग बोल रहे बहुत ही टेस्टी है, इसीलिए हमें दे रहे थे खाने के लिए। तो बहुत सच में बहुत ही टेस्टी बना। गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेहा देवी रियल ब्लॉग्स में। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ। तो गाइस, सुबह का भी 5:30 बज रहा है और मैं सुबह ही उठती हूँ गाइस, क्योंकि बच्चा लोग स्कूल जाता है तो इसीलिए मैं सुबह ही उठना पड़ता है। और सुबह उठ के पहले चूल्हा वगैरह जलाती हूँ गाइस, क्योंकि गैस ख़त्म हो चुकी है तो चूल्हा पे ही खाना बनता है। तो देखिए गाइस, मैं चूल्हा जला ली थी और आंगन का भी झाड़ू लगा ली थी गाइस, और उसके बाद मैं घर का झाड़ू लगाने वाली हूँ। तो इसीलिए मैं मुर्गी को बाहर कर दी हूँ गाइस। उसके बाद प्लास्टिक, जो भी प्लास्टिक है यहाँ पे गाइस, वो सारा निकाल दूँगी। और इसमें मुर्गी का थोड़ा सा लैटरिंग वगैरह है गाइस, तो उसको भी साफ़ कर देती हूँ और धो देती हूँ गाइस। धोने से साफ़ हो जाता है, उसके बाद शाम तक सूख जाता है प्लास्टिक। और गाइस, मैं शाम को कपड़ा धोई थी तो बहुत सारा कपड़ा था तो सुखा नहीं पाई थी गाइस, क्योंकि दिन में समय नहीं मिलता है और शाम को समय मिलता है गाइस। तो शाम में कपड़ा धोई थी तो इसलिए रात में नहीं सुखाई थी। तो सुबह में कपड़ा डाल दूँगी और डालने वाली हूँ गैस। तो मुर्गी खोली थी, उसको मैं सुबह सुबह दाना दे देती हूँ। और जब भी मैं मुर्गी निकालती हूँ सुबह में गैस, तो पहले दाना दे देती हूँ, उसके बाद मुर्गी बाहर चला जाता है खा दाना चुगने के लिए। उसके बाद मैं जो भी काम है गैस मैं करना शुरू कर देती हूँ। तो देखिए गैस, मैं शाम को कपड़ा धोई तो नहीं सुखाई थी, तो इसीलिए मैं अभी सुबह सुबह डाल दे रही हूँ। और सुबह डाल देने से क्या होगा कि सुबह सुबह दिन में सूख जाएगा और फिर मैं इसको उठा के सरिया दूँगी। तो इसीलिए मैं अभी कपड़ा डाल दे रही हूँ गैस, और कपड़ा सारा पानी गर चुका था, डाल देती। और उसके बाद अंदर का झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि अंदर का झाड़ू अभी वगैरह नहीं हुआ है। और झाड़ू वगैरह लगा के उसके बाद ही पोछा वगैरह लगाऊंगी गैस। तो इसीलिए मैं जितना सारा कपड़ा था मैं डाल दे रही हूँ। और टंगना मेरा उधर है गैस, उधर का आंगन में है तो बहुत ही छोटा है, तो उसमें उतना कपड़ा नहीं सूखेगा। इसीलिए मैं बाउंड्री में बांस रख दी हूँ, और बांस पे ही जो बड़ा वाला कपड़ा रहता है गैस लटकने वाला, तो मैं बांस पे ही सुखा देती हूँ। देखिए गैस, मैं उधर कपड़ा सुखा दी थी और जो भी बड़ा बड़ा कपड़ा था गैस मैं बड़ा बांस में डाल दी हूँ। और उसके बाद साड़ी वगैरह था गैस, तो टंगना में डाल दे रही हूँ। और इधर का झाड़ू मेरा लग चुका था इसीलिए मैं इधर भी डाल दे रही हूँ, और छोटा वाला कपड़ा इधर डालती हूँ गैस, क्योंकि टंगना मेरा बहुत ही छोटा है और पतला तार का बना हुआ गैस, तो ज़्यादा कपड़ा इसमें डालेंगे तो टूट जाएगा। तो इसीलिए मैं बांस पे ही आधा कपड़ा डाल दी थी, और जो भी आधा कपड़ा बचा हुआ था मैं यहाँ डाल दे रही हूँ। और उसके बाद मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा प्लास्टिक, मुर्गी का प्लास्टिक है गैस, इसी पर मैं रख के उसको टोकरी से ढक देती हूँ, तो मुर्गी लैटरिन वगैरह कर देता है। और इसीलिए मैं पहले प्लास्टिक धो दे रही हूँ, और मैं प्लास्टिक धो के उसके बाद सूखने के लिए डाल दूँगी गैस, क्योंकि शाम तक भी सूख जाएगा और फिर इस पे मुर्गी मैं इसको बिठाऊँगी। तो इसीलिए देखिएगा, जो भी लैटरिन वगैरह किया था मैं धो साफ़ कर दे रही हूँ। और सुबह सुबह का मेरा यही सब रूटीन है गैस, सुबह उठना, चूल्हा धराना और झाड़ू पोछा करना गैस, मुर्गी निकालना, यही सब पानी जो भी है मेरा दिनचर्या है, यही है मेरा सुबह का। और दिन का काम मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि मैं सारा सुबह का काम जो भी होता है गैस मैं सारा काम कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं नहा के अगरबत्ती वगैरह जला के उसके बाद आंगनबाड़ी चली जाती हूँ गैस। और दिन में जो भी काम बचा हुआ रहता है तो बेटी करती है, जैसे कि खाना वगैरह बना। और इसीलिए मैं सुबह का जो भी काम है गैस जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि 8 बजे से पहले ही सारा काम ख़त्म करना पड़ता है, नाश्ता वगैरह भी बच्चा लोग का देना पड़ता है। और सुबह सुबह सारा काम हो जाता है गैस, धोना मैसना सारा, यानी पोछा लगाना भी सारा काम हो जाता है, तो मैं नहा के अगरबत्ती भी जला लेती हूँ गैस। तो इसीलिए सुबह उठती हूँ कि ताकि मेरा सारा काम हो जाए और उधर से आने के बाद कोई काम ना बचे। और
कपड़ा वगैरह फिर भी रह जाता है गैस, क्योंकि इतना सुबह सुबह बहुत सारा काम रहता है और नहाने के बाद कपड़ा वगैरह बच जाता है। अगर कपड़ा धोने बैठ जाऊंगी गैस तो बहुत ही लेट हो जाएगा, तो इसीलिए मैं उधर से आने के बाद ही कपड़ा वगैरह धोती हूँ। और जितना सुबह मेरा उठती हूँ गैस उतना ही काम रहता है, तो इसीलिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है और जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करना पड़ता है गैस, क्योंकि सुबह नाश्ता वगैरह भी तैयार करना पड़ता है, तो इसलिए कपड़ा वगैरह नहीं धो पाती हूँ। तो देखिए गैस मेरा तब तक झाड़ू वगैरह लगा रही थी, तब तक देखिए मेरा चूल्हा भी जल चुका और सिर्फ इसमें थोड़ा सा और आग आ गया गैस, तो नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। अब जा रही हूँ मैं पोछा लगा लूँगी गैस, क्योंकि झाड़ू वगैरह हो गया था, आंगन का झाड़ू और सारा रूम का झाड़ू भी लग चुका था गैस, तो इसीलिए अब जा रही हूँ थोड़ा सा पोछा वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरा चूल्हा में थोड़ा सा आग ही और आएगा, तब तक पोछा भी लग जाएगा गैस। तो देखिए मैं अभी पोछा लगा ले रही हूँ और दोनों रूम का पोछा लग चुका था गैस, सिर्फ मेरा ये बेडरूम का पोछा लगाना बाकी था और किचन का भी पोछा लग गया गैस, और सिर्फ ही बेडरूम का पोछा लगाना बाकी था, तो इसीलिए मैं बेडरूम का पोछा लगा ले रही हूँ और उसके बाद पोछा वगैरह लग जाएगा गैस। तो नहाना भी था और नहा के अगरबत्ती वगैरह जलाना है गैस, उसके बाद ही मैं नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि पोछा वगैरह लगाते लगाते मैं और भी थोड़ा सा भींग जाती हूँ पानी से, तो अच्छा नहीं लगता खाना वगैरह बनाने में। उसके बाद पोछा लग जाएगा तो नहा लूँगी और नहाने के बाद अगरबत्ती वगैरह जला लूँगी गैस, तो थोड़ा सा फ्रेश लगता है और फ्रेश लगता है तो गैस खाना वगैरह बनाने में भी अच्छा लगता है और आंगनबाड़ी भी चली जाती हूँ। तो देखिए गैस मेरा अंदर का पोछा लग चुका है, सिर्फ बरामदा बाकी था, अब बरामदा का पोछा लगा ले रही हूँ और अभी मेरा थोड़ा थोड़ा बरामदा सूख रहा है गैस, क्योंकि कुछ दिनों से थोड़ा सा हल्का हल्का बारिश हो रहा है और जिस दिन बहुत बारिश हो जाती है गैस, तो पीछे का आंगन है जो मेरा पड़ोसी है गैस, उसका आंगन में पानी जमा हुआ रहता है और मेरा पीछे में उसका आंगन है गैस, तो गड्ढा में है, तो उसका पानी मेरा घर में आज सीत के आ जाता है गैस, तो सारा पानी मेरा सीत जितना भी पका है गैस सब में सीत जाता है और पूरा भींगा भींगा रहता है गैस। आप लोग देख सकते हैं मेरा दीवार नीचे से देख सकते हैं गैस कितना भींगा हुआ है, और इसीलिए मेरा पक्का है गैस भींगा रहता है और चलने में भी थोड़ी सी पानी पानी लगता है पैर में और अच्छा भी नहीं लगता है गैस। तो कुछ दिनों से पानी थोड़ा हल्की बारिश हो रही है और दिन में धूप कर रहा है गैस और रात में बारिश होती है, तो गैस रात में हल्की बारिश होती है और दिन में धूप करता है, तो जिसके कारण मेरा पक्का है बरामदा का सूख रहा है और घर भी अंदर का सूख रहा है गैस, तो पक्का थोड़ा सूखा सूखा लगता है, तो पोछा लगाने में भी ठीक लग रहा है। और पहले पोछा लगाते थे तो थोड़ा सा पानी पानी टाइप का रहता था गैस, क्योंकि पक्का मेरा भींगा हुआ रहता था। तो देखिए गैस मेरा पोछा वगैरह लग चुका है, सिर्फ बर्तन धो रही हूँ और बर्तन बाकी था गैस, यानी सारा काम मेरा सुबह सुबह ही होता है और अभी रात के समय में बर्तन नहीं धो रही हूँ गैस, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है अभी कुछ दिनों से, तो जिसके कारण रात में बर्तन नहीं धोती हूँ। तो देखिए गैस मेरा सारा काम हो चुका है, सिर्फ बर्तन बाकी था तो बर्तन भी धो ले रही हूँ। उसके बाद इसके बाद मैं नहा लूँगी और नहाने के बाद अगरबत्ती जलाऊँगी गैस, क्योंकि नाश्ता वगैरह तो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि लेट हो रहा था, तो इसीलिए मैं सारा काम जल्दी जल्दी कर रही थी गैस। और उसके बाद मैं नहा लूँगी, नहाने के बाद अगरबत्ती जलाऊँगी गैस, उसके बाद ही आंगनबाड़ी जाऊँगी और नहा के ही मैं जाती हूँ आंगनबाड़ी गैस, क्योंकि सुबह सुबह नहा लेते हैं तो फ्रेश लगता है और वहाँ पर बैठने में भी मन लगता है गैस। और तो देखिए गैस मेरा बर्तन धुल चुका है, अब जा रही हूँ मैं नहाने के लिए और उसके बाद आपसे फिर मिलती हूँ गैस। तो देखिए अब Thank you.
इसमें सारा काम करके नहा ली थी और नहाने के बाद मैं अगरबत्ती जला ले रही हूँ और मैं चारों तरफ ही अगरबत्ती जलाती हूँ, इस घर में और आंगन में बाहर में और तुलसी पीना के पास मैं अगरबत्ती जला लेती हूँ, यानी चारों तरफ अगरबत्ती जला लेती हूँ। और उसके बाद मैं दिन का आप लोग जानते हैं कि मैं बेटी खाना बनाती हूँ तो गाय शाम खाली समय में शाम हो गई छत्ता में मुर्गी अंडा पार दिया है तो इसीलिए बाबू ऊपर चढ़ने वाला है तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। आया है दो तीन और शाम हो गई थी गाइस, आ रहा सब देख आ गया है। ऊपर चढ़ रहा मत चढ़ रहा है अभी, शाम हो गया पूरा है अंधेरा हो गया, छोड़ दो ना। तो देखिए गाइस शाम हो चुकी थी और आज चिकन मंगाई थी गाइस, दो महीना सावन था तो इसीलिए नहीं बनाई थी। तो आज दिन में सारा काम बेटी करती है तो रात में मैं खाना बना रही थी तो आज चिकन मंगाई थी गाइस बच्चा लोग के लिए, बोल रहा था बहुत दिनों के बाद घर में चिकन बन रहा। तो देखिए गाइस मैं बना के बच्चा लोग मेरा खा लिया क्योंकि खा रहा और चिकन बन चुका था गाइस बहुत दिनों के बाद। तो देखिए मेरे दोनों बाबू चिकन खा रहा है और बोल रहा था बहुत ही टेस्टी बना है मम्मी, तो वही चखने के लिए बोल रहा था कि मम्मी खा के थोड़ा सा देख लीजिए अच्छा लग रहा है, तो वही मैं बोल रही थी अच्छा दिखाओ। तो सच में गैस बहुत ही टेस्टी बना था और बहुत दिनों के बाद बना था गैस, तो बच्चा लोग खा रहा था तो वही मुझे भी खाने के लिए दे रहा था। तो गैस मेरा चिकन बहुत ही टेस्टी बना, कैसा लगा आप लोग का वीडियो, धन्यवाद।